अध्याय पांच। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो सात मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोल ले और उसकी मोहरे तोड़ने योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सींग और सात आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगों युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया।